कीजिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जिसमें हमने पढ़ा कि फ्रांस की जनता कैसे भुखमरी के शिकार हो रही थी। तो उम्मीद है कि वो पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक और नया पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, द राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमने तो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में तीन स्टेट हमने पढ़े थे, द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब ये मिडिल क्लास कहाँ से आ गया, ये तीन स्टेट से बाहर कहाँ से आ गया, तो मैं बताता हूँ ये मिडिल क्लास आया कहाँ से। देखिए मिडिल क्लास कोई नहीं था जो कि थर्ड स्टेट से ये बिलोंग करते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के से भी बिलोंग करने के बावजूद भी ये पढ़े लिखे थे और अमीर थे। तो इस वजह से क्या है कि वो सेकेंड स्टेट के बराबर थे, लेकिन सेकेंड थर्ड स्टेट में होने के कारण सेकेंड स्टेट उन्हें नहीं कहा गया। इसलिए क्या है कि थर्ड स्टेट से वो ऊपर थे और सेकेंड स्टेट से नीचे, इसलिए उन्हें क्या कहा दिया गया, मिडिल क्लास। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट क्या कि ये पढ़े लिखे, ये जो क्लास थी मिडिल क्लास, ये पढ़े लिखे इसमें लोग थे और अमीर लोग थे, और ये क्या है कि सेकेंड स्टेट के बराबर थे, लेकिन क्या है कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करने के वजह से इन्हें सेकेंड स्टेट में नहीं लिया गया, इसलिए इन्हें मिडिल क्लास का नाम दे दिया गया। यहाँ तक आप क्लियर है। इसमें क्या आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, लॉयर्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे और सभी जो है कि इसमें आते थे। उसके बारे में हम अब इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये अमीर हुए कैसे। आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि भाई अमीर यहाँ कैसे हुए, जब कभी कभी 4/5 यानी 4/5 भाग चला जाता था टेक्सस में, हमने पढ़ा, तो वो ऐसा कैसे हो गया कि ये अमीर हो गए, तो इनके पास कैसे पैसे इतना आया, वो अभी मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, जैसे लॉयर से तो वो वकीलत संभालता है यानी वकील, तो जैसा अगर राजा के सामने दो पक्ष रखे गए हैं तो एक पक्ष का जो वकील होगा वो उस अपने पक्ष की साइड लेगा और दूसरे पक्ष का जो वकील होगा वो अपने पक्ष का साइड लेगा। तो उसको साइड लेने के लिए यानी जिताने के लिए क्या होता है, वकील अपने मन से पैसा मांगता है कि इतना पैसा हमें मिलेगा तो हम आपके ओर से लड़ेंगे, तब वहाँ से उन्हें पैसा मिल जाता है। या जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ों, एक सी मान लीजिए समुद्र है तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना, यही उनका काम होता था ट्रेडर्स का, तो वहाँ पे उनको बहुत ही पैसा मिलता था। अब तीसरा बात आ गया कि बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन हो गए तो बिजनेसमैन क्या है कि बिजनेस माइंडेड जो लोग होंगे वो एक छोटे से स्केल इंडस्ट्री से बड़ा स्केल इंडस्ट्री बनाने की काबिलियत रखते थे, तो यहाँ से इनके पास पैसा आता था। अब इनके पास भाई पैसा आ गया तो अब ये क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे, है कि नहीं। तो अब अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न इन्होंने किया, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, तो अब वो जो बच्चे थे उन्होंने क्या पढ़ा कि उन्होंने बुक के हिसाब से मिलाया या जो भी पढ़े उसके हिसाब से इन्होंने मिलाया कि हमारा जो थर्ड स्टेट है वो उसे कम राइट मिल रहा है, यह गलत है। थर्ड स्टेट के लोग तो ऐसा मान चुके थे कि अब हमको इसी लाइफ से जीना है, अब हम ऐसे ही चलेंगे, कोई चेंज नहीं आ सकता, लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग थे इन्होंने क्या कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या विद्रोह, इन्हीं से विद्रोह चालू हुआ, क्या कहें कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लाइबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रंटरिटी होना चाहिए। तो हमें क्या है कि जैसे आपने पढ़ा कि थर्ड स्टेट में क्या है कि
कभी कभी 4/5 भाग टैक्सेस में चले जाते थे, लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे। ये बहुत बड़ी गलती है। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी इन्हें उतना राइट नहीं मिलता है जिन्हें फर्स्ट जितना फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिलता था। और उसके साथ साथ काम ज़्यादा यही करते थे और वेजेस इन्हें तभी भी कम मिलते थे एज कंपेरेबल टू फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। तो इन्होंने जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह चालू किया। तो यहीं से विद्रोह चालू हुआ। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि क्या था मिडिल क्लास, कैसे जो एक मिडिल क्लास ग्रो हुआ, क्या उसके वजह से हुआ। अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा कि एक सिंपल कहानी में क्या थर्ड स्टेट पीसते जा रहा है कि टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ते थे, वेजेस कम होने के बावजूद भी तो ये पीसते जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से जो है कि चेंज होने वाली है कहानी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, मिडिल क्लास जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, ये अमीर लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन थर्ड स्टेट के होने के कारण इन्हें सेकेंड स्टेट में नहीं लिया गया। और अब तक जो हमने कहानी पढ़ी वो कहानी क्या थी कि इसमें थर्ड स्टेट पीछते जाए, लेकिन अब यहाँ से लाइफ जो कि कहानी जो है चेंज होने वाली थी। और उसके बाद इनके पास पैसे कैसे आए, तो ट्रेडर्स ट्रेड किए, लॉयर्स वकीलत किए, उसके बारे में मैंने बताया, बिजनेसमैन बिजनेस किए, तो वहाँ से उन्हें पैसा आया और अपने बच्चों को ये पढ़ाए। तो वहाँ वो जो बच्चे थे वो पढ़ लिख के क्या उन्होंने कंक्लूड किया, क्या किया कि हम जो थर्ड स्टेट लोग हैं उन्हें कम राइट मिलने है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया। तो यहाँ तक आप क्लियर है कि कैसे मिडिल क्लास और राइज हुआ, कैसे ग्रो हुआ। तो तब तक अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ फिलोसफर्स के बारे में, जानेंगे उन्होंने क्या रोल प्ले किया। आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।